आज बहुत खुशी की बात है कि मसूद अज़हर को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। देखा जाए तो अगर न्यूट्रल कोई सोच रखता है तो जाहिर सी बात है हमारे प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल विल, कूटनीति, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा असर है, ये रिज़ल्ट है कि आज चाइना के दो चार नहीं चार बार अपने वीटो पावर का यूज़ करके अपोज करने के बावजूद देशों ने प्रयास किया, कई देशों ने प्रयास किया, 12-15 देश हमारे साथ हैं, उन्होंने इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला और देखा जाए तो बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए। लेकिन एक सेक्शन ऐसा है जो सिर्फ मोदी के अगेंस्ट जाने के लिए इसको अपनी ना जीत मानता है ना प्राउड का मोमेंट मानता है। उल्टा मैं टीवी देख रहा हूँ, रिपब्लिक टीवी को मैं कोट करना चाहता हूँ कि मैंने देखा वहाँ पर कुछ लोग अभी भी ऐसे बैठे हैं जिनको ये बात इतनी छोटी लगती है कि सेलिब्रेशन तो छोड़ो, तारीफ तो छोड़ो, क्रेडिट तो छोड़ो, एक बार ये तक नहीं कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है। एक बार भी अगर उनके मुंह से अगर ये निकल जाता है कि बहुत अच्छी बात है, हमारे देश की अच्छी देश के लिए अच्छी बात है, तो ऐसा लगेगा कि मोदी की तारीफ हो गई। जस्ट बिकॉज मोदी की तारीफ ना हो जाए, कोई इस चीज़ को अच्छा बताने को ही तैयार नहीं है। ये जो कांग्रेस वाले हैं, अब सबका मुंह बंद हो चुका है। राहुल गांधी का एक ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है कि मोदी गुजरात में घूमते हैं, चाइना में जाके झुकते हैं और यहाँ मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें कहीं कि मसूद अज़हर पे क्यों नहीं इनका बस चला, चाइना के आगे आप झुक जाते हैं, कोई आपका कंट्रोल नहीं है। आज जब चाइना का कंट्रोल नहीं रहा, उसकी कुछ नहीं चली, मसूद अज़हर को डिक्लेयर कर दिया गया, तो आज ये सारे लोग पता नहीं कहाँ मुँह छुपा के बैठे हुए हैं। अब इन लोगों ने एक चीज़ और नहीं शुरू कर दी है कि 5 साल में क्या किया और आखिरी साल में इन लोगों को क्या है कि मोदी पावर में आए और मसूद अज़हर पे ही सारा काम करना शुरू कर दे सब कुछ छोड़ के, और ये चीज़ कि उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, उस पर बैन लगाया जाए, ये सब चीज़ें मोदी के हाथ में सिर्फ नहीं है, ये यूएन के हाथ में है। सारे देशों का सपोर्ट चाहिए होता है। मोदी ने जस्ट अभी पद संभाला ही नहीं कि इनका काम करना शुरू कर दें कि मसूद अज़हर को बैन लगाएं, उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करें और सारा काम छोड़ दें, कुछ अपना रिलेशन ना बनाए देशों से ताकि वो हमारा साथ दें। मोदी ने हर जगह जाके पहले रिलेशन मेंटेन किया, साथ बनाया। तब तो उन लोग खल रहा था कि बहुत विदेश यात्रा हो रही, बहुत टोल्स बन रहे थे। अब जब उस यात्रा का, उस रिलेशन मेंटेन करने का आज ये नतीजा निकल रहा है कि बार बार इस चीज़ को उठाया जा रहा है यूएन में दूसरे देशों के द्वारा, तो आज कुछ लोगों को वो चीज़ अब ना अब उसको जस्टिफाई कोई करे तो कह रहे कैसे। लेकिन वही चीज़ अगर कांग्रेस रूल में हुई होती, जो कि एक बूते के बाहर की बात होती है कि कांग्रेस में ये वो कांग्रेस नहीं रह गई है। कांग्रेस हमारे देश की पहली पार्टी है, लेकिन ये वो कांग्रेस नहीं रह गई है जो कांग्रेस सबसे पहले थी, जो सुभाष चंद्र बोस के टाइम पे थी। अब ये कांग्रेस सिर्फ मजाक का हिस्सा बन के रह गई और ना ही इसके पास कुछ करने की विल है। और जैसे लीडर्स हैं, उनका सिर्फ काम रह गया है कि प्रधानमंत्री को गाली दें और उन्हीं को हटाने के बेसिस पे ही चुनाव लड़ना, और कोई मोटिव नहीं। तो खैर, आम जनता, हम लोग जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, वो सेलिब्रेट कर सकता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी बात है। ये जो कुछ छोटी बड़ी चीज़ें समय समय पे हो रही हैं, लोग कह रहे होंगे कि मोदी इलेक्शन जीतने के लिए करवा रहे हैं। भाई अच्छा, मोदी के हाथ में इतनी ही पावर है कि इलेक्शन जीतने के लिए यूएन से अपना मसूद अज़हर को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाना था, तो बहुत मौके आए। पहले क्यों नहीं करा दिया, क्यों चाइना का वीटो यूज़ हो गया? भाई पहले करा देते, क्यों चाइना के दो दो बार वीटो यूज़ करना पड़ा, तो वह इतना ही कंट्रोल था तो। लेकिन अब जब हो गया है तो सबका मुंह बंद है, लेकिन जनता समझदार है, अब वो समझती है कि देश की बागडोर किसके हाथ में देनी है। मैं किसी को लीड नहीं कर रहा कि किसको वोट दो, बस मैं इतना कह रहा हूँ सब अपने सेंसेस लगाओ, देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। आप छोटी मोटी चीज़ों पे किसी को ब्लेम कर सकते हो, वो देखा जाएगा बाद में कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन सिक्योरिटी देश रहेगा तभी पार्टियां रहेंगी, तभी सरकारें रहेंगी, तभी आप रहोगे, तभी आप वोट कर पाओगे। तो अभी के लिए इतना ही, सोच समझ के वोट देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।